पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भाव में डिग रहना, हमें पहुंचना है उस मंजिल पर जिसके आगे राह है। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के विषय में। पर्यायवाची शब्दों के विषय में कुछ भी समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। शाब्दिक अर्थों में यदि हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, अर्थात ऐसे हर शब्द, ऐसा वह शब्द जो आपस में समान अर्थ रखते हो, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। पारिभाषिक रूप में यदि हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें तो एक शब्द है आग, तो यह जो आग शब्द है इस शब्द को हम विभिन्न विभिन्न रूपों में भी देख सकते हैं, जैसे अनल, पावक, अग्नि। तो ये जो अनल है, पावक है, अग्नि है, ये भी कहीं ना कहीं किसका रूप है? आग का। अस्तु, आग शब्द स्वयं में एक पर्यायवाची शब्द हो गया। इसी प्रकार यदि हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि असुर, वह व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एक आसुरी प्रवृत्ति को रखता हो उसे हम कहेंगे असुर। इस असुर शब्द के अनेकानेक भिन्न रूप भी हैं, अनेक अनेक पर्यायवाची समानार्थी शब्द भी हैं, जैसे राक्षस, निशाचर, दानव इत्यादि इत्यादि शब्द भी असुर के ही पर्याय हैं। अस्तु, यह शब्द दानव, राक्षस, निशाचर, असुर, यह सब आपस में कैसे शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। हमने आग की बात की, असुर की बात की और इनके पर्याय शब्दों अर्थात अग्नि, अनल, पावक, दानव, राक्षस और निशाचर, ये जो तीन शब्द हैं ये असुर के पर्याय हैं, इस पर हमने बात की। आगे देखते हैं, यह एक चित्र आपको दिख रहा है जो नेत्र का चित्र है। इस नेत्र को हम अनेक अनेक नामों से जान सकते हैं, जैसे आँख, आँख के अन्य नाम नयन, लोचन, नेत्र इत्यादि। इत्यादि रूपों को देख करके हम कह सकते हैं कि आँख शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे नयन, लोचन, नेत्र। और यह सभी शब्द आपस में कैसा अर्थ देते हैं? आपस में ये सभी के सभी शब्द समान अर्थ देते हैं और इस समान अर्थ देने के गुण के कारण ही ये शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। जैसे अभी एक तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में कौन है? गणेश। इस गणेश को हम अन्य अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे गजानन, गणपति, गणनायक, गणेश इत्यादि नाम। ये जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी आपस में कैसे शब्द हैं? ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु, जो शब्द कहीं ना कहीं समान अर्थ को लिए हुए हों ऐसे शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आशा है बच्चों यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा और पर्यायवाची शब्दों से आप सभी परिचित हुए होंगे। धन्यवाद।